सीहोर में आज शिक्षकों ने आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों शिक्षक नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां शिक्षकों ने नायब तहसीलदार सुनीता कुमारी को कांग्रेस के वचन पत्र में किए गए वादे, छठवें वेतनमान की विसंगतियां दूर करने और अध्यापकों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसे इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की बात, फैमिली मेंबर में किसी की डेथ होने के बाद जो टीचर्स हैं उनकी डेथ होने के बाद उनके बच्चों को या पत्नी को नौकरी मिले, इसके लिए इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। और इसके अलावा इनकी सातवें वेतन मान जो है अपना उसको लागू करने की बात, और सेवंथ पे कमीशन में भी इनका कुछ विसंगति है उसको ये रेगुलेट कराना चाहते हैं, और मेन जो इनका है अनुकंपा नियुक्ति। और स्कूल में कुछ फैसिलिटीज के लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनका अपने प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी होने के कारण सरकारी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे नहीं आते हैं, वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि स्कूल में फैसिलिटी हो और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे लेना है उसके बजाय जो टीचिंग फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और टीचिंग पैटर्न को बढ़िया बनाए और इनमें फैसिलिटी दी जाए। हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं अनुकंपा नियुक्ति, क्योंकि 5000 अध्यापक मृत हो गए हैं, उनको आश्रितों को अनुकंपा मिलनी चाहिए, और जो हमने 1994 वाला शिक्षा विभाग मांगा था वो हमें नहीं मिला है, वो हमें मिलना चाहिए। और कमलनाथ सरकार ने वादा किया है कि 1994 वाला शिक्षा विभाग हम आपको देंगे, वो वचन पत्र में शामिल है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। और दूसरी अन्य मांगे भी है, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा एकमात्र सहारा है। नई पेंशन का में जो बन रही है पेंशन वो बहुत कम बन रही है, इसलिए हम लोगों ने आज ये ज्ञापन सौंपा और कार्यक्रम किया है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम फिर भोपाल में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।